राष्ट्रपति साहिबा जो अभी बनी है ना, उससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख लेनी है कि मनुवादी अब मजबूर हैं, कोई एहसान नहीं किया है। मुर्मू साहिबा को बना के एहसान नहीं किया, बन ही नहीं सकता था। अगर ये कोविंद साहब को बनाया था ना, कोई और बन ही नहीं सकता। अगर महिला आदिवासी या महिला शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति का कैंडिडेट 100 नहीं 200% हार जाता, मजबूरी में बनाया, और परिसंघ जैसे और दूसरे अंबेडकर आंदोलनों की वजह से मजबूरी में ये हालत थे। और इतना जबरदस्त मजबूत कैंडिडेट होने के बावजूद भी सबसे कम मार्जिन से यशवंत सिन्हा साहब हारे, इतना बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को नजर आ रहा था। अब बनाया, कोई एहसान नहीं किया उनके ऊपर। तो अब हमें सबको, अब राष्ट्रपति का पद तो ऐसा है ना कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता 5 साल के लिए, और राष्ट्रपति की पावर्स जो है अथाह है। तो क्या हम सब लोगों को द्रौपदी मुर्मू साहेब आपके हाथ मजबूत नहीं करने के लिए, उनको ये याद नहीं दिलाने के लिए कि एहसान नहीं किया है, मजबूरी है, वो करें बाबा साहब के आदर्शों के ऊपर काम, कोई रोकने वाला नहीं है। अगली बार फिर बनाना पड़ेगा, वो भी रोकने का वाला कोई नहीं है। तो ये आज़ादी भी, जब तक मैं ये बार बार बात कह रहा हूँ, जब तक हमारी खुद की सरकारें नहीं बनती ना, SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिलाओं की जेन्युइन वाली, जो बाबा साहब का आइडिया था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, जब तक वैसा नहीं हो जाता इसी सिस्टम के तहत, इसी संविधान के तहत, तब तक हमें पॉलिटिकल पार्टीज में मजबूरी में जाना पड़ रहा है। अब मैं तो क्योंकि खुल के बात कहना चाहता हूँ ना, और कहता भी हूँ, मजबूरी में जाते हैं। कितने दंश सहते हैं जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज में हैं ईमानदार और सच्चे, आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को रोकना है ना, तो सारी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी सुन लें, चाहे इनको एक कड़वा घूंट पीना पड़े या नहीं पीना पड़े, ये खुद तय कर लें। कड़वा घूंट पिएंगे तो सत्ता में आएंगे, नहीं पिएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हराने वाला कोई नहीं है। अब मनुवाद मनुस्मृति लागू होने वाली है। अगर हाँ ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज कड़वा घूंट पिएंगे, डॉक्टर उदित राज जैसे दूसरे लोगों को, जो इनकी सही जगह है पार्टी में, इनका कद ये होना चाहिए जहां पे रखा हुआ है। अब मैं इन्हीं की बात नहीं करना चाह रहा सर, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज में लोग हैं हमारे, उनका कद क्या वो है जो उनका होना चाहिए। अगर ऑपोजिशन पार्टीज को सत्ता में आना है तो SC ST OBC माइनॉरिटीज को उनका हक, जो बाकी लोगों से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, सरकार के लेवल पे ऊपर है, वो देना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाए, आ ही नहीं सकते। तो दे, फिर हमारे लोगों के साथ बाद में धोखा करके फिर हटा दें, लेकिन एक बार अगर वापस आना है, हटाना है भारतीय जनता पार्टी को, तो सही लोगों को, जो SC ST OBCs माइनॉरिटीज हैं, OBCs हैं, उनको उनका हक बाकी लोगों से ऊपर देना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत। इस देश का असली राष्ट्रपिता यदि कोई है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यदि हम लोग वो असलियत पूरी करा लेंगे तो फिर एक नहीं, हर एक जगह बाबा साहब के नाम से ही होगी। तो एक मेरी गुजारिश ये थी कि हम सब लोग मिलके, जो बहुत सच्चाई, जो बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत दिनों से छुपाई हुई है, ढकी हुई है, उसको उजागर करने का काम अब समय आ गया है कि हम खुलकर उसको उजागर करें। जो भारत का संविधान बनाने वाला है वही देश का असली राष्ट्रपिता हो सकता है। दूसरा मेरा बात, अभी मैं उदित राज जी के बारे में कही गई टिप्पणियां समझ सुन रहा था, हालांकि विषय से हटके है लेकिन महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को पता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी पूरी दुनिया में अब वो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर्स में से एक हैं ऑल टाइम्स। क्या हम लोगों ने उनको इलेक्शन जिताए? बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इलेक्शन नहीं जीत पा रहे थे, हम लोग क्या हैं? ये विषय है। मैं पॉलिटिकल पार्टी में भी रहा हूं, गवर्नमेंट चलाने और चलवाने का काम भी मैंने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अंदर से मैं सब चीज़ों को जानता हूं। सिर्फ एक ही बात कह के मैं ये बात अपनी समाप्त करना चाहूँगा ये विषय, कि हम लोगों को जब तक सही एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ और महिलाओं की सरकार नहीं आ जाती, उनकी आवाज़ वाली सरकार, जो बाबा साहब का पहला प्लान था, ये आरक्षण तो प्लान बी है, जो मजबूरी में प्लान ए क्योंकि नहीं माना गया, प्लान ए पे अमल नहीं हो पाया इसलिए आरक्षण प्लान बी है। प्लान ए था कम्युनल अवार्ड, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पार्लियामेंट में, बाबा साहब का पहला प्लान ये था, वो नहीं हुआ इसलिए रिजर्वेशन। अब मैं इसी बात से बस ये टॉपिक ये वाला खत्म करूंगा। आप लोग खुद सब अपने दिल पे हाथ रखें, और आप सब लोग नेताओं से ज्यादा बहादुर हैं, जो जमीन पे कार्य करता है, आम जनता है, सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटीज की और महिला है, वो अपने नेताओं से कहीं ज्यादा बहादुर। लेकिन एक स्ट्रैटेजी की कमी है। आज मैं किसी, चलिए उदित राज जी का ही नाम लेके बात करूं, आप सब लोग, और मैंने ये देखा इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है आपसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसा ना करते हो, राहुल जी आ जाएंगे, आप एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और उदित राज जी के साथ आप सब खड़े होंगे, राहुल जी आ जाए वहां पे, या सोनिया जी आ जाए, या प्रियंका जी आ जाए, तो उदित राज जी के साथ दिन रात काम करने वाले, मेहनत करने वाले, उदित राज जी दिन के लिए खून पसीना बहाते हैं, और वो उदित राज जी के लिए बहाते हैं, वो सब या उसमें से बहुत सारे या ज्यादातर छोड़ के उदित राज जी को राहुल जी या सोनिया जी के पास चले जाएं। आप आगे सुन लीजिए ना, उससे पार्टी को फायदा नहीं होता है, उससे कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान होगा, उससे किसी भी पार्टी का नुकसान होगा, ये भी बात है। और आपका जो नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव है, उसका वजन आपकी आवाज उठाने के लिए कम हो जाता है। अगर मैं, देखिए मैं ऐसी बात नहीं कहता कि मैं सारी बातें सही कहूंगा, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन इस पर विचार तो कीजिए, बात तो सुनिए। लेकिन अगर यही बात आप सब लोग खड़े रहे इनके साथ मजबूती के साथ, छोटी छोटी बातें हैं ये, जो आज आरएसएस और बीजेपी देश में इतनी मजबूती के साथ आई है, ये छोटी छोटी वजहें हैं इसकी, तो अगर आप लोग खड़े रहेंगे तो उदित राज जी के साथ जाके आप सब मिलेंगे, सब का फोटो भी खिंचाया जाएगा, सबकी बातचीत भी होगी। अब जो ये पूरे कार्यकर्ता हैं, कभी दोबारा अपने, चलिए पार्टी का नाम लेके बात नहीं करता, उस टॉप लीडर से बात कर पाएंगे दोबारा? जो लीडर है आपका, जो चुना गया है, वो कर पाएंगे? तो उसका तो आपने वजन कम कर दिया, तो अब उससे पार्टी को भी नुकसान हुआ। गलत लोग जो कानाफूसी करके पद और दूसरी चीजें हासिल कर लेते हैं, वो ताकतवर हो जाते हैं, और आपकी आवाज उठाने वाला कमजोर हो जाता है, असली जेन्युइन आवाज उठाने वाला। इस पर थोड़ा सोचिए,